हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी। ये बहुत सारी मिठाइयों और केक में यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं कंडेंस मिल्क बनाना। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ लीटर मिल्क ले लिया है अमूल का। तो अभी हम इसे एक कढ़ाई में डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। तो इसे एक बार चला देंगे और दूध में अच्छे से उबाल आ जाने देंगे। हम बीच बीच में हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई ना ऊपर आए। कई बार क्या होता है, हम इसको चलाना बंद कर देते तो ऊपर से मलाई जमने लगती है, हमें इसमें मलाई नहीं जमने देनी है। तो इसको इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और इसमें एक उबाल आ जाने देंगे। तो अभी दूध में उबाल आ चुका है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप चीनी। तो जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो वही प्रोसेस हमें दोबारा से करना है, इसे चलाना नहीं छोड़ना है। तो इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो अच्छा सा क्रीमी बनेगा और उसमें मलाई नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इस प्रोसेस को 10 मिनट तक इसी तरीके से करते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो हमें इसे तब तक पकाना है चलाकर तब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और इसको इसी तरीके से चलाते हुए मैं इसको गाढ़ा होने तक पका लूंगी और बीच बीच में मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी, फिर लो कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले कढ़ाई से। और इसे चलाना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसमें इसी बात का ध्यान रखना है हमें। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे नीचे उतार लिया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी एक पिंच खाना सोडा। इससे क्या होगा, हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे और इसे कई दिनों तक हम यूज़ कर सकते हैं केक में या फिर किसी भी डेजर्ट में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मार्केट से लाने की बजाय आप घर पर ही इस कंडेंस मिल्क की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार होगा। तो अभी ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो अभी आप इसे फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है।